हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वन मार्क सीरीज़ में आज हम आ गए हैं बीएसटी का फाइनेंशियल मार्केट लेकर के आपके सामने। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और इस रिस्पांस की वजह से मेरे अंदर भी एक अलग तरीके का एंथुजियाज़म आ गया है बच्चों के लिए कि अगर बच्चे चाहते हैं तो डेफिनेटली हम उनके लिए ही करेंगे। बच्चे अगर एक टीचर बिना स्टूडेंट के कुछ नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है अपने स्टूडेंट के बिना, राइट? तो बिना किसी फॉर्मेलिटी के स्टार्ट करेंगे अपने फाइनेंशियल मार्केट को। लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू मनी मार्केट? ना दो मार्केट होते हैं ना, चैप्टर आपको आता है मनी मार्केट कौन सा होता है। मनी मार्केट के लिए एक बात इसमें से सच नहीं है, है ना? इट इज़ सिचुएटेड एट स्पेसिफिक लोकेशंस। स्पेसिफिक लोकेशंस में नहीं होते हैं, स्पेशल जगह नहीं होती मनी मार्केट की। मनी मार्केट कहाँ, जहाँ से आप मनी को लैंड कर सकते हैं। तो ये तो कोई भी हो सकता है ना, एक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो जो बैंक होते हैं वो भी हो सकते हैं, है ना, या फिर कोई मनी लेंडर हो सकता है। तो इसके लिए कोई भी एक स्पेशल लोकेशन नहीं होते हैं। Which of the following statement is not true with regard to treasury bills? Treasury bill के लिए एक कोई भी statement में से सच नहीं है। Are issued in the form of a promissory note, बिल्कुल सही है, ये promissory note के जैसे issue किए जाते हैं। They are highly liquid and have assured yield, बिल्कुल सही बात है, बहुत highly liquid होते हैं और इसमें yield भी होता है, yield मतलब इसका production भी होता है। They carry high risk of default, बस यही गलत है, हाई रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट इसमें नहीं होता है, ठीक है। और दे आर अवेलेबल फॉर ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 एंड इस मल्टीप्लाइज देयर ऑफ, ठीक है ना। इसका मतलब सी जो ऑप्शन है वो गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द कॉमर्शियल पेपर के लिए एक बात इसमें सही नहीं दे रखी है। इज़ अ लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट विद अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड, पहले ही गलत है भाई कि ये लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट हैं फिक्स मैच्योरिटी पीरियड के साथ, बिल्कुल गलत है। बाकी तीनों इसके लिए सही है। इट यूजुअली हैज़ ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 डेज टू 1 ईयर। इट इज़ सोल्ड एट ए डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार, और कंपनी यूज दिस इंस्ट्रूमेंट फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग, ठीक है। ये तीनों इसके लिए ठीक है। अगर कॉमर्शियल पेपर के बारे में कुछ भी लिखने को आए तो आप नीचे के जो BCD 3 पॉइंट आप उसके लिए लिख सकते हैं बहुत आराम से, ठीक। मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द कॉल मनी? कॉल मनी क्या है? जो बैंक के साथ ट्रांजेक्शन होता है जो सिर्फ एक दिन के लिए होता है, मैंने जब बैंक के पास कोई पैसे मतलब शॉर्टेज होती है तो बस दूसरे बैंक से रुपये ले सकता है, उधार जैसे होता है ना, लेकिन वो वन डे के लिए होता है। इट इज़ ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिपेबल ऑन डिमांड। इट इज़ ए मैच्योरिटी पीरियड रेंज फ्रॉम 1 डे टू 15 डेज, है ना। और देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट एंड अदर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये तो गलत है। इट इज़ यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स, पूछा गया क्वेश्चन। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट, हाँ नॉट ट्रू, ठीक है ना, तीसरा वाला बिल्कुल यही तो आ गया था। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप कॉल रेट्स और शॉर्ट टर्म मनी, ये गलत है। बाकी तीनों चीज़ें सही हैं कॉल मनी के बारे में। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट इट इज ऑल्सो एज द ओल्ड इशू, नहीं गलत है। ओल्ड इशू मार्केट थोड़ी है, तो वो सेकेंडरी मार्केट में आता है। ओल्ड इशू मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में बिल्कुल न्यू जो सिक्योरिटीज होती हैं वो प्राइमरी मार्केट में सेल की जाती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट के लिए द फंड आर रेज्ड फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, पहला ही गलत है। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए फंड को रेज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द स्टॉक एक्सचेंज? बढ़िया क्वेश्चन आया। आप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, हाँ सही तो है। इट कर्व द मार्केटेबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी, नहीं, इट कर्व द मार्केटेबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटीज, ना यही गलत है, ये तो गलत है भाई, ठीक। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन है ना, तीन फंक्शन होते हैं, उसमें प्रोटेक्टिव फंक्शन इसमें से नहीं है। कौन सा वाला फंक्शन नहीं है? प्रोविजन ऑफ द फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता है, कंट्रोलिंग इनसाइड ट्रेडर ये भी होता है, रेगुलेशन ऑफ द टेक ओवर बिड्स बाय कंपनी, यही गलत है। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनीज ये नहीं है, प्रोटेक्शन फंक्शन में नहीं आता ये, प्रोटेक्टिव फंक्शन में। राज एंटरप्राइज विश टू इन्वेस्ट ₹1,10,000 इन ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेजरी बिल इट कैन बाय विद दिस फंड, इसमें से कितने वो खरीद सकता है ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, कितने खरीद सकता है वो ट्रेजरी बिल्स, इसमें से 4, समझ गए, कितने खरीद सकता है, 4 खरीद सकता है, ओके।
मैक्सिमम नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल मार्केट, में इसमें से कौन सी बात सच है। दे लिंक द हाउस होल्ड विच सेव फंड्स एंड बिजनेस फर्म विच इन्वेस्ट दीज फंड्स, सही है। दे वर्क एज इंटरमीडिएटरी बिटवीन द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स बाय द मोबिलाइजिंग फंड्स बिटवीन दैम। दे एलोकेट फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन टू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स, सब सही हैं एकदम, तीनों करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव आएगा, ठीक है ना। फाइनेंशियल मार्केट के से मैंने आप ये तीनों पॉइंट भी उसमें आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ तो आपको मिली जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें से निकालने में, तो कर लेना। द एलोकेट फंक्शन इज परफॉर्म बाय, द एलोकेट फंक्शन इज परफॉर्म बाय फाइनेंशियल मार्केट भी करता है, कैपिटल भी करता है, मनी मार्केट भी करता है, ऑल ऑफ द अबव आएगा। इट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड विद डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स हुज पीरियड मैच्योरिटी इज अप टू वन ईयर। वन ईयर तक का मार्केट कौन सा होता है, दैट इज कॉल्ड मनी मार्केट। ओके, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द शॉर्ट टर्म बोरिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैच्योरिंग, ये कौन से होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल होते हैं, ठीक है। आप ट्रेजर बिल की अगर जैसे डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो ये आप लिख सकते हैं, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द शॉर्ट टर्म बोरिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। चलो मॉक मूव टू नेक्स्ट, हु इशू अ ट्रेजर बिल, कौन करता है। आई एम जस्ट सेइंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सपोज इन एन इन्वेस्टर परचेज 91 डेज ट्रेजरी बिल विद फेस वैल्यू ऑफ 2 लाख फॉर रुपीज़ 1,92,000 बाई होल्डिंग द बिल एंटिल द मैच्योरिटी डेट, द इन्वेस्टर रिसीव रुपीज़ 2 लाख, वट इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव बाई हिम, कितने इसको इंटरेस्ट का अमाउंट मिल गया। बहुत सिंपल सा है ना, 1,92,000 इसमें 2 लाख को माइनस करेंगे अगर सब्ट्रैक्ट हो, वी विल गेट 8,000। ओके, इट इज़ यूज एज एन अल्टरनेटिव टू बैंक बोरिंग फॉर लार्ज एंड क्रेडिट वर्दीनेस कंपनी। बैंक बोरिंग फॉर लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज, ये होते कॉमर्शियल पेपर, ठीक है, कॉमर्शियल पेपर्स। इट इज़ अ मैटर बाई विच बैंक बोरो फ्रॉम ईच अदर टू बी एबल टू मेंटेन टू कैश रिजर्व इशू, किससे करती है, बैंक बैंक के साथ बोरो करती, भी बताया था ना हमने, कॉल मनी कहते हैं उसको। ओके, अराइज इन कॉल मनी रेट्स मेक डेट अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सच एज कॉमर्शियल पेपर एंड द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट चीपर इन कंपेरिजन विद बैंक्स हु रेज फंड्स फ्रॉम दीज सोर्सेज, ठीक है, चीपर इनकम कंपैरिजन विद बैंक्स हु रेज फंड्स फ्रॉम दीज सोर्सेज। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू फाइनेंस, क्या होते हैं, ये होते हैं कॉमर्शियल पेपर। अब कॉमर्शियल पेपर की डेफिनेशन आता है, यू कैन राइट दिस लाइन्स, शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल ऑफ फर्म। नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ, कैपिटल मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोई डेवलपमेंट बैंक होता है, कॉमर्शियल बैंक भी होता है, स्टॉक एक्सचेंज भी होता है, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव। अ कंपनी कैन रेज कैपिटल थ्रू द प्राइमरी मार्केट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, सब ऑल ऑफ द अबव। दे कैन बी इशू टू इंडिविजुअल्स ऑफ कॉरपोरेशंस एंड कंपनीज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी व्हेन द डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ बैंक इज स्लो बट द डिमांड फॉर क्रेडिट इज हाई। क्या होते हैं, ये होते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट वर्ड आ रहा है ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट रिप्रेजेंट कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं सारे, ऑल ऑफ द अबव। अंडर दिस मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट अ सब्सक्रिप्शन इज इन्वाइटेड फ्रॉम जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी थ्रू द इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट, उसे क्या कहते हैं, प्रॉस्पेक्टस के थ्रू हो रहा है ना, समझ रहे हो ना, तो ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस आएगा, ठीक है, ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस। पी के एंटरप्राइजेज लिमिटेड हैज सोल्ड एन एंटायर लॉट ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹9 ईच टू प्रॉस्पेक्टस बैंक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, प्रॉस्परस। द बैंक इन टर्म विल ऑफर द शेयर टू जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एट द रेट ऑफ 11, 9 रुपये का शेयर 11 में गया है। द मेथड ऑफ फ्लोटेशन बींग डिस्क्राइब इन द गिवन लाइन, क्या है ये, ऑफर फॉर सेल हुआ है भाई, ठीक है ना, ऑफर फॉर सेल बेचने के लिए किया गया है।
जे कांत इज होल्डिंग 100 शेयर ऑफ ए कंपनी. ही हैज़ बीन गिवन ए प्रिविलेज ऑफर टू सब्सक्राइब टू ए न्यू इशू ऑफ ए शेयर ऑफ द सेम कंपनी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:1 टू द नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी प्रोसेस्ड बाय हिम. आइडेंटिफाई द मैटर फ्लोटेशन बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव केस. कौन सा है ये? ये होते हैं राइट इशू. जो राइट इशू क्या होते हैं कि जिसके पास जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ये राइट होता है कि अगर कंपनी इशू कर रही है नए शेयर्स तो पहले उनका राइट होगा उसे लेने के लिए. तो ये राइट इशू कहलाते हैं. स्टॉक एक्सचेंज वर्क एज ए मैकेनिज्म फॉर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. आइडेंटिफाई द रिलेटेड फंक्शन ऑफ परफॉर्म्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज. कौन सा है? आया समझ? प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज. प्राइस सेट किया जाए डिमांड और सप्लाई के हिसाब से. क्या सेट किया जाएगा प्राइस? तो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी. स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द इन्वेस्टर टू डिस इन्वेस्ट एंड इन्वेस्ट. ठीक है. आइडेंटिफाई द रिलेटेड फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. कौन सा फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का? ये वो लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी देती है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को कि कितना हम उसको सेल कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते. डिस इन्वेस्ट और इन्वेस्ट का मतलब क्या है? डिस इन्वेस्टमेंट मतलब सेल कर दो, इन्वेस्टमेंट माने एक और नया परचेज करके रख लो यहाँ पे. ठीक है. तो जैसे जैसे प्राइसेस यहाँ पर इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ही काम कर लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज नोन. अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है शेयर्स हमारे पास उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डीमेटेरियलाइजेशन. उसमें मटेरियल नहीं होता है इसलिए कहा जाता है उसको डीमेटेरियलाइजेशन. वन ऑफ द कॉमन इरेगुलरिटीज नोटेड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज वॉज डेट इट वॉज डीलिंग विद अनरजिस्टर्ड सब ब्रोकर. आइडेंटिफाई द रिलेशन रिलेटेड फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सेबी का एक बताना है हमको कौन सा फंक्शन है. देख रही है सारी चीज़ों को तो उसका मतलब रेगुलेटरी फंक्शन हो गया ना. वो रेगुलेट करती है हर चीज़ को. जैसे जैसे हमारा RBI रेगुलेटरी काम करता है ना ऐसे ये भी रेगुलेटरी फंक्शन करता है. नेक्स्ट चलते हैं. इट एक्ट लाइक ए बैंक एंड कीप सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर. ये तो डिपॉजिटरी होता है. जैसे बैंक होती है ना बैंक को डिपॉजिटरी कह सकते हैं. ऐसे ही पता ही बैंक ही जैसे काम करता है और बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज़ को अपने पास रखता है उसे कहते हैं डिपॉजिटरी. चलो. इट सर्व एज ए इंटरमीडिएटरी बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द डिपॉजिटरी. ठीक है. इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच का ये क्या इंटरमीडिएटरी है? ब्रोकर है हु इज ऑथराइज टू मेंटेन द अकाउंट ऑफ द डीमेटलाइज शेयर्स और जो पूरे अकाउंट को यहाँ पर मेंटेन करेगा. तो हम उसको क्या कहेंगे? ये ब्रोकर होते हैं समझ लो. इसे इन्हें कहते हैं हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. क्या कहते हैं इनको हम? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. तो तीन लोग हो जाते हैं. डिपॉजिटरी हो गया, एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो गया, तीसरा इन्वेस्टर हो गया. ठीक है. इट इज़ ए नंबर असाइन टू ईच ट्रांजेक्शन बाय द स्टॉक एक्सचेंज एंड इज प्रिंटेड ऑन द कॉन्टैक्ट नोट. ये नंबर होता है उसके ऊपर लगा रहता है. इसे कहते हैं यूनिक ऑर्डर कोड. यूनिक ऑर्डर कोड. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप टू फॉलो इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग प्रोसीजर का एक पूरा सीक्वेंस होता है, स्टेप्स होते हैं, वो याद जरूर से कर लेना. और इसमें लिखे हुए हैं वो सी पॉइंट पर ओपनिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट देन प्लेसिंग एन ऑर्डर देन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर और देन सेटलमेंट ऑफ ऑर्डर. ठीक है. द मैंडेटोरी डिटेल डेट इन्वेस्टर हैज़ टू प्रोवाइड टू द ब्रोकर एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ए डीमेट अकाउंट. जो एक कंपल्सरी जो डिटेल होती है जिसे देना ही देना पड़ेगा आपको, वो कौन सी होती है? वो होती है आपका पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर. ये आपको देना ही देना पड़ेगा. इट इज़ लीगली एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाई ए स्टॉक ब्रोकर विद इन 24 आवर्स ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ए ट्रेड ऑर्डर. ये क्या होता है? ये होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट नोट. कॉन्ट्रैक्ट नोट जो हमको 24 घंटे के अंदर देने पड़ेंगे. ऑन दिस डे द एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर. दिन वो दिन जब एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर और मेक जब शेयर डिलीवर हो जाएगा इस दिन और पेमेंट भी हो जाएगा ब्रोकर को, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पे आउट डे. क्या कहते हैं उसको हम? पे आउट डे. और इस वीडियो का एक लास्ट पेज आ जाते हैं. और भाई ये चैप्टर पूरा का पूरा यहाँ पर कवर हो रहा है. व्हेन इट इज़ ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप इशू टू द इन्वेस्टर. कब होती है? कब मिलेगी आपको स्लिप? तो स्लिप मिलेगी जब हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर. आफ्टर द ट्रेड हैज़ बीन एग्जीक्यूट द ब्रोकर इशूड ए कॉन्टैक्ट नोट टू द इन्वेस्टर विद इन. कितने दिनों के अंदर दे देता है? 14 डेज.
ओ 14 डेज, सॉरी कहाँ, 24 आवर्स, 24 आवर्स, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए और पढ़ने के लिए और मुझे इनक्रेज करने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।